How are you? I hope that you all have been taking care about yourself as well as studying very, very hard. Because the session has started, and in this very short video, I am going to tell you about two very, 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 very important questions of the lesson, the last lesson, which is the very first lesson of your textbook, Flamingo. Flamingo textbook ke pehle lesson के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपको लिखा रहे हैं. इसको आप समझ भी सकते हैं इस वीडियो में, और इसे प्लीज़ नोट डाउन भी करेंगे. अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे. सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड, फ्रांस से किस बात की आशा थी टू बी प्रिपेयर, तैयार होने के लिए विद फॉर स्कूल दैट डे. किस चीज़ को लेकर उसे स्कूल आना था या किस चीज़ को तैयार करके उसे स्कूल आना था. सो जैसा कि हमें पता है, आज उसका जो कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ उसे पता नहीं है कि फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट लेसन है, और वो तैयार करके जा रहा है. एक दिन पहले का जो उसे होमवर्क मिला है, उसके टीचर मिस्टर हैमल ने दिया है कि उसे पार्टिसिपल्स पढ़कर आना है ग्रामर में. सो दैट डे, उस दिन फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड, फ्रांस को आशा थी टू बी प्रिपेयर, तैयार होने के लिए विद पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स जो ग्रामर में एक टर्म होती है, बिकॉज मिस्टर हैमल जो टीचर हैं उसके फ्रेंच के हेड सेड, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वे उससे प्रश्न पूछेंगे देम पार्टिसिपल्स के बारे में, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के बारे में उन सब बच्चों से. फ्रेंच डिड नॉट नो, और फ्रेंच के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो पार्टिसिपल तो छोड़िए, उसके पी के बारे में भी नहीं जानता. इन अदर वर्ड्स, उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रखी है कि आज उसे पार्टिसिपल के बारे में वहाँ पर कुछ बताना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है, प्लीज़ इसे नोट डाउन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What had फ्रांस noticed that was unusual about the school that day? फ्रांस ने किस चीज़ को नोटिस किया उस दिन जो उसे अनयूजअल लगा, यानी कि रोज के मुकाबले कुछ अजीब या अलग लगा. यूजअली, सामान्यतः, प्रायः, इट वॉज नॉइजी, बड़ा शोर मचता था, एक्टिव, सब कुछ तेज तर्रार होता था. बट इट वॉज ऑल वेरी साइलेंट दैट डे, लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत ही शांत था. लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे कि इतवार में होता था, संडे की छुट्टी के दिन स्कूल खाली होता है, आज उसका स्कूल वैसे ही बिल्कुल शांत लग रहा था. देर वॉज नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जिस तरह बच्चे डेस्क ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी. ऑल द स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग इन दियर प्लेसेस, सारे बच्चे अपनी सीट पर पहले ही बैठ गए थे उसके पहुँचने से पहले. सम विलेजर्स वेर ऑल्सो सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेज, और एक मजे की चीज़ देखी, कुछ गाँव के लोग भी थे जो लास्ट की बेंचेज पर बैठे हुए थे. सो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ चेंजेज उसने देखे उस दिन, जैसा कि पहले कभी हुआ नहीं था, तो इसे देख के उसे काफ़ी सरप्राइज हुआ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप इनको ज़रूर तैयार करें. अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. ओके, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, लव यू.